हम लोग के चीफ गेस्ट के रूप में एक डॉक्टर साहब आए हुए कोडरमा से जो यूट्यूब पर सुने थे, तो अंत में चाहेंगे डॉक्टर साहब आकर के, क्योंकि कंप्यूटर विद्यार्थी लोग रहते हैं और समय का बड़ा लाला रहता है, इसलिए चाहते हैं कि इतना समय नहीं ले लें कि दूसरा सप्ताह लोग फिर आए नहीं, क्योंकि बड़ा मुश्किल से बुलाए। दोपहर में भी हम लोग गली गली में जा करके, जब लोग आराम करते हैं तब यहाँ करके हम लोग 3 घंटा 4 घंटे मेहनत करते हैं। बहुत सारे पुराने विद्यार्थी थोड़ा भी घर उर चले गए हैं, संख्या पूरा ही भरा हुआ रहता है, लेकिन हम लोग को संख्या से महत्व नहीं है, कम आवे अधिक आवे, लेकिन हर सप्ताह हम लोग का कार्यक्रम चलते रहता है। तो आइए डॉक्टर साहब को अंत में 2-3 मिनट के लिए धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम आमंत्रित करते हैं, जो कोडरमा से चलकर आए हुए हैं। चलिए, सभी को नमस्कार। एक बार आप लोग भी बोले नमस्कार तो बहुत अच्छी बात है। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर AK भारती कोडरमा झारखंड से। आज बहुत खुशी की बात है कि सर जैसे महान ज्ञानी पुरुष से मुलाकात आज हुई। हमने इनको YouTube पर देखे और कैसे कैसे इनका बच्ची और हमारी बच्ची लुधियाना में दोनों साथ में पढ़ रही है, वहीं से इनका कॉन्टेक्ट नंबर उपलब्ध हुआ और हमसे बातचीत हुई। और बातचीत के दरमियान में मतलब ऐसा लगा कि उनसे कब मुलाकात होगा। तो आज अचानक रविवार था और बताए थे कि रविवार को हजारीबाग हम आते हैं, तो हमने कॉल किए तो सर जी बोले बस हजारीबाग हम इन कर रहे हैं। उस वक्त हम कोडरमा में ही थे, तो मैंने बोले कि सर मैं भी वहाँ पे पहुँच रहा हूँ आपसे मिलने के लिए। सर जी भी बोले कि ठीक है आ जाइए, एक बार मुलाकात हो जाएगा तो बढ़िया है। तो चलिए, खैर कोई दिक्कत नहीं है, परमात्मा जो चाहा वो हुआ। और इस संस्था से हम तो जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन अब उम्मीद तो पूरा है कि मैं इस संस्था में आऊँगा, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका रीज़न क्या है कि इसका व्यवस्था मैं पहले से करके रखा था, अनजान में भी मैं इसका व्यवस्था करके रखा था। और वो व्यवस्था क्या है कि आज हमारे जो भी परिवार है वो जन्म से गलत रास्ते में नहीं है, मीट मछली को जन्म से नहीं खाया है, इसलिए हमें अब समझ में आ रहा है कि मैं ये व्यवस्था पहले से करके रखा था, ठीक है ना। और सर जी जो अभी यहाँ पे बात किए हमें बहुत अच्छा लगा, लोगों का भविष्य के लिए बात किए, ज़िंदगी के लिए बात किए कि किस तरह से हम लोग अपना जीवन को प्रीतापाल कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ की आवश्यकता है। भक्ति भी चाहिए और भक्ति के साथ साथ अर्निंग भी चाहिए, क्योंकि बिना अर्निंग का भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सारी बात सर जी बता चुके हैं, उसी बात में हर बात छुपा हुआ था। अब रह गई बात कि आप लोग के ऊपर डिफरेंस करता है कि सर क्या बोले नहीं बोले। जैसे मैं फिल्म आप लोग देखते हैं तो उसमें कई एक तरह का चीज़ बताया जाता है पिक्चर में, ठीक है ना, गरीब से अमीर बनना, अमीर से गरीब बनना, बदमाश बनना, यह बहुत तरह का उसमें सीन दिखाया जाता है हर पिक्चर में। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसा उसका मेंटेलिटी दिमाग काम करता है उसी ओर हिल जाते हैं। तो अब यहाँ पे सर जी बताए हैं और आप लोग को किस ओर जाना है ये आप लोग के ऊपर डिफेंस करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम स्वास्थ्य के लेकर बात करना चाहते हैं, ठीक है। आज के डेट में हम लोग का जो शरीर है इतना काफ़ी डैमेज में जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या रीज़न है, ठीक है। और सर जी बोले कि ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इसलिए दोबारा अगर कभी हम आएंगे तो बहुत खुल के हम बात करेंगे, लेकिन आज मैं थोड़ा सा कि मैं बात करता हूँ क्योंकि समय का अभाव है और जिन्होंने इस स्थान पर भेजे उनको भी मान सम्मान देना बहुत ज़रूरी है ना। चलिए, थैंक यू सर इसके लेकर। तो इंसान को भक्ति के साथ साथ अपने शरीर के ऊपर भी ध्यान देना है। आज के डेट में इतनी बड़ा बड़ा जो बीमारियां हो रहा है, किसी तरह का गलत खान पान नहीं है, किसी तरह का गलत रहन सहन नहीं है, लेकिन पता चलता है कि डायबिटीज हो गया अचानक, है ना, पता चलता है ब्लड कैंसर हो गया, पता चलता है BP हाई हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ सोचे हैं आप लोग, सोचे हैं क्यों? छरदादा जैसा उम्र जीना नहीं है क्या, परदादा ऐसा जीना नहीं है, जीना है ना। तो यहाँ पे रीजन क्या है ना कि जो लाइफ स्टाइल, जो जिंदगी हम लोग का जीने का तौर तरीका हो गया है ना, इसके लेकर इतना बड़ा बड़ा बीमारियाँ आ रहा है। और वो लाइफ स्टाइल क्या है, जो बायोमैग्नेट क्या है, ये धरती क्या है, बायोमैग्नेट है। हमारा शरीर में क्या है, आयरन है। आयरन के मतलब
लोहा, और मैग्नेट के मतलब चुंबक है ना। तो ये चुंबक और हमारे लोहा जो है इसका संपर्क टूट गया है ना। ये संपर्क आज भी अगर कोई बना के रखेगा तो 100 प्लस जाएगा, लेकिन इससे संपर्क हम लोग तोड़ दिए लाइफ स्टाइल में है ना। पहले के लोग क्या है कि अगर ड्यूटी भी जाना पड़ता था तो पैदल चलते थे है ना, लेकिन अब थोड़ा सा भी दूरी जाना है तो फोर व्हीलर चाहिए और साथ में एसी भी चाहिए, तो कहीं कहीं संपर्क टूट रहा है ना। आज बहुत सा ऐसा है कि घर से निकलता है, जूता मोजा टाइट करके फोर व्हीलर में बैठता है, और फिर वहाँ से जब पहुँचता अपना ऑफिस तो वो मतलब ज़मीन पर पैर ही नहीं रखता है। तो कहीं कहीं ये मैग्नेट से तो संपर्क टूट रहा है ना। तो ये मैग्नेट क्या करता है ना, हमारे ब्लड बॉडी में ऑक्सीजन मेंटेनेंस करता है। इससे घर्षण होने के बाद हमारे शरीर में ऑक्सीजन मेंटेनेंस करता है, और जिस व्यक्ति का सही से अगर ऑक्सीजन मेंटेनेंस होगा तो कभी लाइफ में कोई ऐसा बीमारी नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? तो सर के साथ साथ थोड़ा सा कमी आप लोग को सुझाव देंगे कि मॉर्निंग में खाली पैर कम से कम आधा पौन घंटा जो है धरती पर लंगे पाँव चलने का प्रयास करें। तो इससे क्या होगा, आपका बॉडी का ऑक्सीजन मेंटेनेंस रहेगा, ब्लड क्यूरिफाई होते रहेगा, लाइफ में किसी तरह का कोई बीमारी नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।